अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज हम बच्चों को लेके जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त नारा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मौसम बहुत अच्छा है कोरिया में और फाइनली पहली जो है ना ऑटम की आज बारिश हो रही है और मौसम जो है ना बड़ा ज़बरदस्त हो गया। गर्मियाँ फाइनली जो है ना थोड़ी कम हो गई हैं। आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं पहले। तो सुबह से काफ़ी बारिश हो रही थी, फिर रुक गई, फिर बूंदाबांदी हुई, फिर रुक गई। तो हम लोग जो है ना बच्चों को लेके जा रहे हैं एक म्यूज़ियम और वो जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है। जाहिर ने एक जगह ढूंढी है, आपको चल के वो जगह टूर भी कराते हैं। बहुत इंजॉय करेंगे बच्चों के साथ और कोरिया में जो लोग रहते हैं बच्चों के साथ फैमिली के साथ, यू कैन ऑल्सो गो, आई विल रिकमेंड। अभी हम लोग रास्ते में हैं, फिर पहुँचते हैं इंशाल्लाह, तो फिर मुलाकात होती है। जी अम्मा, यहाँ ने दुआ पढ़ ली है छपची में। जली उपता जली उपता छपशी छपशी रख क्या है आप किचन में दुआ पढ़ ली आपने। शर्म आ गई है, ये कोरियन पोइम्स पढ़ रहा है। आजकल ये पोइम्स सीखते हैं ना डे केयर में, तो वो पढ़ रहा है। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे और अभी हम पहले चलते हैं अंदर क्योंकि रिजर्वेशन है यहाँ की। ये इसका बाहर का एरिया है और ये मैं फिर आपको बाद में दिखाती हूँ, पहले हम चलते हैं अंदर। अच्छा गाइस, ये हम लोगों ने टिकट ली है रयान की फ्री और हम उर्वा मेरी जाहिद की, हमारी 3,000 की, 4,000 की, तो 12,000 टोटल। और अभी हम लोग टिकट दिखाएंगे हम अपनी यहाँ पे। You have to keep it. Thank you. यहाँ पे बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं तो सारी आपको फैमिली से ही नज़र आ रही होंगी बच्चों के साथ यहाँ पे। अच्छा जी, उर्वा यहाँ पे जो है ना डिज़ाइन बना रही है इस तरह पैटर्न के ऊपर, तो उर्वा ने इसके ऊपर ये कलर बनाया है। वाह, वेल डन। इस तरह से बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं ना, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें लर्निंग के लिए मिलती हैं। जाओ हेलो करो, अन्यम करो, जाओ। ये इन्होंने ना टच स्क्रीन सिस्टम बनाया हुआ है, आप जब जाएंगे ना तो आपके शेडो में जो एनिमल आएगा आप उससे फ्रेंडशिप कर सकते हैं, तो इंटरैक्टिव एक स्क्रीन बनाई हुई है ये। इंसान वाकई बंदरों से निकले हैं। यहाँ पे जी ये कलर्स कर रहे हैं और फिर जो है ना फिश की स्केलिंग बनाएंगे। जाने बना लिए, वेल डन। तो यहाँ पे जी डिफरेंट डिफरेंट लाइक एक्टिविटी जोन्स हैं बच्चों के लिए, कलर्स करने के लिए, कोई ब्लॉक्स बनाने के लिए, उनको डिफरेंट चीज़ें सिखाई गई हैं। तो छोटे 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 ना कमरे बने हुए हैं और हर कमरे में उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटी बनाई हुई है और एनिमल्स के साथ कैसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ना पब्लिक प्लेसेस जो होती है ना, वहाँ पे रिजर्वेशन के साथ ही सिर्फ आप आ सकते हैं। तो एडवांस रिजर्वेशन के लिए जो है ना मैं लिंक्स डाल दूँगी, आप लोग भी देखिएगा, मतलब अच्छा है। जो बच्चों के साथ यहाँ पे फैमिली रहती हैं, यू कैन डेफिनेटली कम हेयर। और बच्चे जो है ना काफ़ी देर बिजी रहते हैं, उनको मतलब पता ही नहीं होता, होश ही नहीं होती। अब रियान को बिल्कुल भी नहीं पता मैं कहाँ हूँ, बस लगा पड़ा है अपने उसमें। और ये सारी एक्टिविटी जो है ना, मतलब आप एक दफ़ा एंट्रेंस फी पे करते हो और सारी एक्टिविटीज़ अंदर फ्री होती हैं। अभी हम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे हैं और काफ़ी लाइक टाइम चाहिए होता है, फिर भी हम 2 बजे की रिजर्वेशन से आए हैं, अनटिल 6 PM होता है ये ना। और वो ब्लॉग्स बना रही है ऐसे। नूडल्स गेम प्ले कर रहे हैं।
इससे बच्चों की फोकस भी बढ़ता है और जो है ना इसी में बिजी रहते हैं वो। फोकस उसका ऐसे है कि जहाँ पीछे खेल रहा था ना वही बार बार भाग रहा था, बहुत मजा आ गया है। तुमने क्या बनाया है? उर्वा। ये जो उर्वा ने अपना नाम कोरियन में बनाया है। वाओ उर्वा। ध्यान से देखो क्या कर रहा है। टच करने से कलर चेंज होता है तो टच करता भागता फिर रहा है। तो ये मिरर जोन है यहाँ पे। म्याऊ म्याऊ। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चों को शेडो सिखाने के लिए है तो चीज़ें बच्चे आगे रखते हैं रोशनी के और पीछे मुड़ के देखते हैं तो शेडो नज़र आता है। तो बच्चों के लिए ये भी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। देखें ये कहाँ से घुस रहा है। घुस गया छोटू से, है ना, घुस गया यहाँ से। हम कैसे जाएंगे इसको पकड़ेंगे? ये देखो एक हाथ का है छोटा सी जगह। अब वापिस आएगा। बिल्ली है, छोटी सी छोटी सी बिल्ली है ये तो। निकल के आ गया इतनी सी जगह से। यहाँ पे जी सारे बच्चे प्ले कर रहे हैं अपने अपने पेरेंट्स के साथ और उर्वा भी खेल रही है। रेयान को अब ये मज़ा आ गया यहाँ पे घुसने का तो ये यहाँ पे बैठ गया। ये जी स्टिल इमेजेस के साथ जो वीडियोस बनती है ना उसका एक्सपीरियंस है। बच्चा ज़ोर से जब घुमाता है ना तो वो उसको वीडियो नज़र आती है पिक्चर्स के बाद। तो ये भी इसी तरह की सारी लाइक दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजीज अब तक एडवांस हुई है ना उन सबको उन्होंने यहाँ डाला। डिफरेंट एक्सपीरियंस जोन ये देखें छोटे छोटे बनाए हुए हैं। इसके अलावा हर जगह पे आपको जो है ना स्टाफ नज़र आएगा, वो स्टाफ जो है ना केयर कर रहा होता है, देख रहा होता है। बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस सेंटर है ये बच्चों के लिए, बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे। वाह हेलो हाउ आर यू। यहाँ पे हम लोग ने लिए पिक्चर, इन्होंने कैमरा लगाया हुआ है और यहाँ पे आ गई है हमारी पिक्चर सबके साथ बोर्ड में यू। रेहान और पिक्चर्स ले रहा है ये। जी अभी हमें एक फैमिली मिली थी और ना उनके साथ हमारी तकरीबन 15-20 मिनट हमारे साथ खड़े बातें करते रहे हैं और उनका बेटा जो है ना वो रेहान के साथ बहुत ज़्यादा उसने गपशप लगाई है और काफ़ी यानी कि कम्युनिकेटिव था, इंग्लिश में बात कर रहा था बच्चा। तो मैंने कहा इसको इंग्लिश कैसे आ रही है, तो कह रहे हैं वो उसको हमने किंडरगार्टन में ना इंग्लिश सिखाई है। तो इतना अच्छा कॉन्फिडेंस से बातें कर रहा था बच्चा ना, तो पेरेंट्स भी बड़े खुश हो रहे थे कि हमारा बच्चा फॉरेनर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो लाइक कोरियंस को अच्छा लगता है कि मतलब हम फॉरेनर्स के साथ बात करें, लेकिन क्योंकि इंग्लिश इनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है ना तो इस वजह से थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ होते हैं और अगर हमें कोरियन नहीं आएगी तो हम कैसे उनसे बात करेंगे। तो बस कम्युनिकेशन का बैरियर है, वरना कोरियन लोग बहुत अच्छे हैं। अभी बड़ा मज़ा आया, हम लोगों ने काफ़ी गपशप लगाई है। तो मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कोरियन में ना लॉ है कि आप किसी को उसकी परमिशन के बगैर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो यूट्यूब पे तो बहुत ही लाइक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना इस वजह से। तो अभी हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं, जाहिद उर्वा के साथ हैं, मैं रेयान के पीछे पीछे हूँ। यहाँ पे जो गेम चल रही है शमशान की चल रही है और उर्वा सारे कलेक्ट कर रही है नीचे से। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी स्नैक ब्रेक चल रही है। क्या खा रही है उर्वा? पेपेरो। पेपेरो ऐसे कोई नहीं है। अच्छा, तो पेपेरो इसके बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। क्या कर रहा है? यहाँ पे जी बायोडिग्रेडेशन का बताया हुआ है बच्चों को कि क्या करते हैं ना कोटी का। अम्मा अंजा आप बैठो ना। ये देखिए जी हम बैठते हैं। ओए हो, ये रेयान साहब खेलने आए हैं। उसकी बॉल वहीं से ही नहीं हिल रही। ये मैं हैंड पावर वाली गाड़ी है जिसमें हम बैठे हुए हैं और सामने हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं। जितनी स्पीड से ये लोग कर रहे हैं उतनी स्पीड से गाड़ी चलेगी। और हमने रूट सिलेक्ट किया है नामसन टावर जाने का, तो उर्वा सही जल्दी जल्दी कर रही है। देखिए जी मैन पावर से जो ना ऊपर लाइटें जल रही हैं इनकी मैकेनिकल पावर के साथ। हमने अपने बच्चों को लगाया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। ये देखिए जी ये लाइटें ऑफ होना शुरू हो जाती हैं, फिर चलाते हैं तो फिर ऑन होती हैं इलेक्ट्रिसिटी से। सही इंटरेस्टिंग जगह है। ये देखो ये डांस कर रहा है, वो साइकिल चला रही है, ऐसे ही डांस कर रहा है। यहाँ पे जी डिस्को पार्टी हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, जंपे जंपे कर रहे हैं। बच्चों के लिए डांस फ्लोर बनाया हुआ है इन्होंने। ये जी टच से जो है ना आग जलती है, बच्चों के एक्सपीरियंस करवा रहे हैं यहाँ पे। कैंपिंग जोन बनाया हुआ है।
और ये पूरा अंदर जो है ना उन्होंने कैंपिंग का पूरा जोन ही बनाया हुआ है, वहाँ बैठ के कैंपिंग को इंजॉय कर सकते हैं, थिएटर बनाया हुआ है। ओके जी, हम सबसे टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं और ऊपर से देखें ऐसे नज़र आ रहा है। इस जगह के 4 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पे इतना कुछ करने को है, टाइम तो बहुत ही शॉर्ट होता है और बच्चों के ऐसे इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि हर जगह खेल सके, तो बस जो जगह बच्चों को पसंद होती है वहाँ खेलते हैं, फिर हम आगे निकल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ना बैठ के अपने बच्चों को आप खिला पिला सकते हैं। हम लोग आए हैं यहाँ पे, अभी हम लोग घर से ये लाए थे, ये ब्रेड्स वगैरह, और मतलब बाजार से लाए थे, घर से तो नहीं लाए थे। यहाँ बैठे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ओके गाइस, हम लोग बाहर निकल आए हैं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं म्यूजिकल फाउंटेन हमारे सामने। जाने जाना नीचे, अच्छा जी, हम पी रहे हैं सोल चिल्ड्रन ग्रैंड पार्क, ये बिल्कुल इसके मुतसिल है, दरमियान में कोई दीवार नहीं है, तो हम जो है ना इन जानवरों को ये जानवर दिखाने आए हैं। देखिए बिल्कुल शक्ल भी मैच कर रही है इन दो जानवरों के साथ, अपनी फैमिली को देख के पहचान के मजा आ रहा है। गाइस, चिल्ड्रन ग्रैंड पार्क है, यहाँ पे अब जानवर ही खत्म हो गए। सबसे ज्यादा बड़े जानवर तो हम ही खुद फिर रहे हैं, एक ये फिर रहा है और एक वो फिर रही है, थका मारा गाइस यार, यहाँ पे जानवर ही नहीं है। मैंने कहा घर जाके हम शीशे में देख लेंगे अपने आप को, जानवर अब यहाँ पे क्या हमने करना। तो यहाँ पे जो है ना चिल्ड्रन ग्रैंड पार्क के जू अब इतना मज़े का रह नहीं गया, पहले होता था एक ज़माने में, अभी रयान तो बिल्कुल था ही नहीं, इसको नहीं पता, इसने नहीं देखा वो अच्छा ज़माना। रयान, चिल्ड्रन ग्रैंड पार्क बड़ा अच्छा होता था, अब ख़त्म हो गया चिल्ड्रन ग्रैंड पार्क, कह दो ओ ओ ओ ओ इसको पता ही नहीं है ओ ओ क्यों कह रहा हूँ, अब जो है ना मज़े का नहीं रहा यार ये। अजी फाइनली बंदरों को बंदर नज़र आ गए हैं, दो बंदर यहाँ पे ये इन बंदरों को देख रहे हैं वो जी बंदर बैठे हैं सामने फिर रहे हैं ये कैसे देख रहा है वो हमें पहचान न ले, वो कह रहा है ये तो मेरे जैसे हैं, जिस तरह की वो आवाज़ें निकाले ना तो साथ हम भी खड़े वैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं, लोग आते जाते देख रहे हैं कि ये उन्हीं की नस्ल से तो नहीं है वो अंदर घुस गए हैं हमारी शक्लें देख के, उनको हमने हमारी शक्लें भी पसंद आई वो आ गया आ गया आ गया, उर्वा की मोहब्बत पती सुन के आ गए अभी उर्वा ने गाना गाया ना तो वो बाहर निकल के आ गया था, लेकिन इतना गंदा उर्वा गा रही थी वो वापस चला गया उसने कहा अब क्या करना मेरे छुप गया वो देख। अरे यहाँ पे इस चिल्ड्रन ग्रैंड पार्क की ना सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली जो है ना स्टोरीज हैं इस हाथी के बारे में, वैसे हम लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते अब जू में आना ना, ये देख बेचारे इनकी छोटे से उसमें जगह में रह रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाथी जिन्होंने जंगलों में रह, और वो बड़ा स्ट्रेस फील करता है मुझे लगता है ये हाथी ना, इसको देख के कुछ होता है, ये देख खड़ा रहता है सर हिलाता रहता है कहते हैं तो अपनी जाति को देख के स्ट्रेस फील कर रही हो, दुखी हो रही हो को अपनी जाति की बहुत फिक्र है नहीं यार वो बेचारे इतने स्ट्रेसफुल हैं, इनके बारे में बड़े कंट्रोवर्सी है कि ये हाथी जो है ना सही उसमें नहीं रह रहे, तो खैर हमें ना इसी वजह से यहाँ आना उतना पसंद नहीं है डुंगरपुर का ना ये वाला, और है भी सारा खाली खाली सा, तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी यहाँ आए, बहुत ही वो है लेस आई मीन मैनेज्ड है बंदरों को भी भगा दिया हाथियों को भी भगा दिया। ओके गाइस, तो हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, हमें जानवर तो नज़र नहीं आए, अब हम घर जाके शीशे में अपनी शक्ल देखेंगे और खुश हो जाएंगे। ये जो चिल्ड्रन ग्रैंड पार्क है मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, और जो है वो बच्चों वाला एरिया वो बहुत रिकमेंड करती हूँ फैमिलीज़ के लिए स्पेशली, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ बच्चे डिफरेंट चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके अलावा ना यहाँ पे सारा खाने पीने का एरिया भी है, लेकिन हम लोग अपना घर से भी काफ़ी लेके आए थे जो खा पी सकते थे, और 7-Eleven से भी हमने ले लिया। लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।